नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा अर्थात एसीएफ 2022 का इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी सीरीज में कंपटीशन कम्युनिटी ने भी मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया था 13 तारीख को। आप सभी ने उस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया, बहुत सारे कैंडिडेट आए थे। हमने ये प्रयास किया था कि आपको वो इंटरव्यू जो है बिल्कुल बोर्ड की तरह लगे। इसके लिए हमने वन सेवा से संबंधित कुछ अधिकारियों को बुलाया था, साथ ही साथ राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों को भी बुलाया था। आपने इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया, साथ ही साथ आगे के लिए जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए 20 तारीख का हमने इंटरव्यू शेड्यूल रखा है, अर्थात 20 मई को। आप जो है अगला जो आप अगर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो कंपटीशन कम्युनिटी के नंबरों पर, दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप जो है अपना स्थान पक्का कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू देने का फायदा ये होगा कि आप जो गलती वहां करेंगे वो गलती अगर यहां करते हैं, यहां पर फाइंड आउट हो जाता है, तो आप समझिए कि कुछ नंबरों की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर सवाल वही 2 नंबरों 3 नंबर का ही रहता है। आप कैसे दूसरे से एक कदम आगे रहेंगे इन द सेंस ऑफ कंटेंट, इन द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, इन द सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमको अपने आप में नहीं दिखाई देता है। जैसे अगर मैं अभ्यर्थी हूँ तो अभ्यर्थी होने के नाते मुझ में मान लीजिए कि अगर कोई भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि मेरे ड्रेसिंग सेंस या मेरे बातचीत करने का तरीका कि मैं जल्दी बोल देता हूँ या बहुत धीरे बोलता हूँ या किसी विशेष प्रकार के प्रश्न पे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मॉक इंटरव्यू के माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो पैनल होते हैं, ठीक है, वो पैनल में हम काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुला रहे हैं जो कि आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो देर किस बात की, आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कीजिए, 20 तारीख के कार्यक्रम में अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। इसका फायदा आपको रियल इंटरव्यू में बिल्कुल दिखाई देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू के समय 20 मई को। धन्यवाद।